डिस्क्लेमर है, प्लीज इस वीडियो को सीरियसली नहीं लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने काफी डिफरेंट यूट्यूबर्स और मतलब की बातों को थोड़ा उठा लिया है, तो एंजॉय करना इस वीडियो को, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज एंजॉय। बड़े दिनों के बाद यूट्यूब पे बैठ के अपने लॉकडाउन को एंजॉय कर रहा था, अचानक से मैंने नियॉन में टिकटॉक वर्सेस वीडियो देखी और उसके बाद फिर मैंने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब सर्च की, वजह से मेरे को ये दिखा इतने सारे व्यूज, इतना वायरल कॉन्टेंट। मैंने बोला मैं इस कॉन्टेंट को मिस नहीं कर सकता, मेरे पास एक चांस आया है जिसकी मदद से मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा सा इंगेज कर, और वो चांस शायद मैं मिस नहीं करना चाहूंगा। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय द वीडियो। तो आज मैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, और मैंने मतलब कि काफ़ी दिनों के बाद YouTube खोला था, मतलब मेरे को वीडियो डाले हुए करीब 4 दिन हो चुके हैं और मैंने मतलब कि उसके बाद YouTube खोल के ही नहीं देखा था। जैसे ही मैंने YouTube खोल के देखा तो मेरे सामने खाली TikTok वर्सेस YouTube ही YouTube आने लग गए। तो और प्लीज़ ये जो मेरे मुंह पे जो पसीना आ रहा है ना, इसको ज़रा इग्नोर कर दें, पंखा बंद करके कर रहा हूँ क्योंकि ये वॉइस पंखे की आवाज़ उसमें आ जाती है तो इसलिए ख़राब हो जाता है। और मुझे पता है ये कंटेंट मेरे चैनल से तकरीबन मैच नहीं करता। अगर मेरे से अगर सच पूछो तो मैं इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये मतलब कि 2-3 दिन से इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के थोड़ा सा ऑडियंस को मैं अपने साथ अटैच कर लूँ, ताकि जब मैं अपने चैनल पर अपना असली कॉन्टेंट डालूँ तो मेरे चैनल पे आए और मेरा चैनल ग्रो करे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आज हम लोग उस बंदे के बारे में बात, जिस बंदे से वीडियो के अंदर एक दुपट्टा संभाला नहीं गया। हाँ, मेरे को पता है ये थोड़ा लेम टाइप है, लेकिन भाई सच, इसके तकरीबन वीडियो पे इसका दुपट्टा बार बार गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर गिर जाता है, फिर। तो यार मैं शुरू मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब कि कैसे शुरू करूँ इस वीडियो को। तो मैं मतलब कि सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब कि इस बंदे ने टिकटॉक की जिस टॉपिक पे इस बंदे ने इस वीडियो बनाई थी, इसके ऊपर जो बातें रखी हैं, उन सारी बातों में इसका इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया गया है, मैं क्या बताऊँ। मतलब कि अगर मैं क्या, अगर मेरे जैसे 1000-2000 भी अगर वीडियो नहीं बनाए ना तो भी मतलब चल जाएगा इसके लिए, इतना मतलब कि ज़्यादा इसका मजाक उड़ाया गया। और अगर मैं वो सारी वीडियोस एक एक दिन में देखता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा लॉकडाउन बड़ी आराम से गुजर जाए। यानी कि इतनी सारी वीडियोस यूट्यूबर्स ने बनाई है और आप लोग उन वीडियोस को खुल के सपोर्ट भी कर रहे हो, वाह। और वैसे भी इसने पूरी की पूरी वीडियो में यही किया है। अबे भाई क्यों उसके ऊपर वीडियो बना रहा है, क्यों तंग कर रहा है उसको? अच्छा ना यार, क्यों सीरियसली ले रहा है, मजाक कर रहा हूँ ना, थोड़ी सी तो ऑडियंस इंगेज करने देते मेरे साथ, तंग कर रहा है। अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन की वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियो बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरियों वाले चाल करते रहते हो तुम लोग। भाई यार जाहिर सी बात है, जब कोई नया ट्रेंडिंग टॉपिक आएगा तो जाहिर सी बात है बड़े यूट्यूबर्स को छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी फॉलो करेंगे ताकि उनका भी चैनल ग्रो हो सके। अब जाहिर सी बात है, मेरी इधर एग्जांपल ले लो, मेरे से पहले कितने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पे वीडियो बना दी और मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं बनाऊंगा भी क्यों, मेरे पास इतनी ऑडियंस भी नहीं कि मतलब कि अगर मैं नहीं बनाऊँ तो शायद कोई पूछेगा भी। अब जाहिर सी बात है, मेरी एग्जांपल ले लो, इस टॉपिक पे इसलिए ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे चैनल पे थोड़े से व्यूज़ आए, मैं भी ग्रो हूँ। पैसे के पीछे और व्यूज़ के पीछे तुम भागते हो। और भाई बात जहाँ तक कि हम लोग व्यूज़ के पीछे भागते हैं, हम लोग भागते हैं, कौन ऐसा जो व्यूज़ के पीछे नहीं भागते, सालों तुम लोग तो हमसे ज़्यादा व्यूज़ के पीछे भागते। इस बंदे ने खुद ही बोला है कि ये लोग दिन में 4-4 कंटेंट अपलोड करते हैं। अब देखो मैं टिकटॉक का फॉलो नहीं करता, इवन मेरे पास मोबाइल भी नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा क्या सीन चल रहा है टिकटॉक में। तो ऐसे ही वीडियोज़ देख लिए तो उसमें मेरे को पता चल गया ये लोग दिन के 4-4 वीडियोज़ अपलोड करते हैं। और डकी भाई की भी वीडियो मैंने देखा था, इनके चैनल में वीडियो को अगर कोई बिना देखे भी अगर स्वाइप अप कर ले तो एक व्यू काउंट हो जाता है, वाह। मतलब कि ऐसा YouTube पे तो नहीं होता यार, एक थंबनेल दिखता है उसके बाद अगर कोई क्लिक करे, थोड़ी सेकंड की वीडियो चलेगी तब जाके उस वीडियो के ऊपर व्यू काउंट होगा, वरना तो इम्पॉसिबल, व्यू तो आता ही नहीं। और ये लोग दिन के 3-4 कंटेंट बनाते हैं और क्या नाम है बोलते हैं कि हम लोग व्यूज़ के पीछे भागते हैं, उसके पीछे तो ये लोग भागते हैं। और साला मेरे को भी कभी कभी दिल कर जाता है कि यार ये YouTube छोड़ के TikTok को ज्वाइन कर लो, मगर नहीं।
हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। और दूसरी चीज, हमारी वीडियो इतनी बड़ी बड़ी होती है, अगर हम लोग महीने के 3-4 वीडियोस भी डालें और अगर उसमें से टिकटॉक की 15-15 सेकंड की क्लिप्स अलग निकाले तो 1000-2000 तो निकल जाएंगे एक महीने की वीडियो। और बात जहाँ तक कि हमारे कॉपी करने के, मतलब कि एक दूसरे को देख के बनाने की, भाई हम लोग कम से कम कोई सही चीज तो बना लेते हैं। जैसे कि मेरे को देख लो, अगर मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ तो मेरे पे आगे कितने क्या नाम है सारों ने बनाया, मैं उनकी शायद मैं उनके काफ़ी ज़्यादा बातों को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, लेकिन सेम बात के भाई कम से कम हम लोग एक अच्छी चीज़ों पे ही तो वीडियो बना रहे हैं। तुम लोगों का क्या, तुम लोग तो इन चीज़ों को ही खाली कॉपी करते रहे। हेलो गाइस, आई एम मियां खलीफा। ये क्या कर रही है सन्नी यार, पता नहीं टिकटॉक क्या बदतमीजी है ये। बदतमीजी बोल रहा, मैं लड़की हूँ यार। तू लड़की है, मैं क्या आदमी हूँ? और भाई हमको पता है कि यार अब YouTube कम्युनिटी भी इतना सुधरी भी नहीं है, वो भी थोड़ा हरामी पन है उसमें भी, मतलब कि भाई TikTok जैसे भी हरकत है, लेकिन YouTube इन चीज़ों को थोड़ा छुपा के ताकि ये चीज़ ज़्यादा सामने ना। हम लोग भागते हैं एक ही चीज़ के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत। रोज बंदे की हराम पनी, एक चीज़ का नाम ले। आतिफ सुन, इधर आ, एक बड़े मजे की बात बतानी है तेरे को। गाइस मैं तुम लोग को एक बात बताना भूल गया, इस बंदे ने इस टॉपिक पे मतलब कि कंट्रोवर्सी इसलिए शुरू की थी क्योंकि इस बंदे को ये बात पता थी कि लोग इसके ऊपर जरूर वीडियोस बनाएंगे, इसको जरूर मशहूर करेंगे, और हम लोगों ने कर दिया इसको मशहूर। वाह, बंदे ने सही गेम खेला, पता है, हम सबको सही बेवकूफ़ बना के सही मशहूर हो गया। मतलब कि देखो, इस बंदे के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बनाई और इतने ज़्यादा व्यूज़, और मेरे को भी पता है कि मेरी वीडियो पे भी शायद 1-2 हज़ार व्यूज़ तो आ ही जाएंगे, तो सोच लो इतना इसको फ़ायदा मिलेगा। मतलब ये बंदे ने सिर्फ 10 या 11 से मिनट किया, फिर जितने की भी इसने वीडियो बनाई उस पर इसने बात की और वीडियो टिकटॉक पर चढ़ा दी, जिसकी वजह से इसका इसने कितना सारा फेम गेन कर लिया। मतलब इस वीडियो से पहले तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लेकिन इस वीडियो के बाद ये बंदा बड़ा मशहूर हो चुका है पूरे यूट्यूब पर, स्पेशली टिकटॉक पर भी। टिकटॉक पर तो हो गया होगा, मैं इस्तेमाल, मेरे को कुछ खास कहना तो नहीं था इस टाइम मारे। खैर मैं वीडियो बंद करता हूँ, गर्मी बहुत है, कम वक्त, पसीना इतना सारा आ गया। खैर तो मैंने टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाई ताकि थोड़े से मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ जाए, मैंने कुछ खास बातों को सामने तो नहीं रखा है, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों की मतलब कि असली थोड़ा मज़ा चाहिए इन चीज़ों से, अगर आप नहीं देखा तो मैं आपको कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जाकर देख लेना, जैसे कि कैरी मिनाटी, डकी भाई और इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स की, क्योंकि उनका काम है रोस्टिंग। मेरा तो खैर फुटबॉल का कंटेंट डालता हूँ, लेकिन डाला भी नहीं ड्यू टू लॉकडाउन, अगर आपको वो सब अगर देखना है तो फिर वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। बस यही कहना था, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस। बात रही यूट्यूबर्स की, तो तुम लोग यूट्यूबर्स में तो कतई नहीं आते हो यार, ठीक है, थूक भी नहीं निकल रहे, समझ रहे हो? तो बेटा एक काम कर, थूक को अपनी ना गांड में डाल दे। Right on my point, where the few that looked at me took to me, shook to me.